हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। हेलो अदिति, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको न्यूज़ नहीं कह सकते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बतानी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPCJ, मैंने आपसे कहा कि अगर आप MPCJ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत हद तक आपको ये वीडियो बताने वाली है कि आपको MP की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके साथ साथ कल एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि MP की वैकेंसी को लेके कुछ अपडेट्स हैं, कब तक आ सकती है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वो वीडियो कल होगी। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बता दूं, शौक जो शब्द लिखा है इसको आप किस सेंस में लेते हो? सबसे पहले तो ये है, हेलो आंचल, हेलो जागृति। देखिएगा हुआ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं पहले। अब इसको हो सकता है कोई गलत फॉर्म में ले रहा हो, मैं बताता हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को, एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप MP जुडिशरी को क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने कल कुछ चीजें देखी या मैं परसों से कुछ चीजें देख रहा हूँ, हेलो मोनिका, तो मुझे एक चीज जरूर समझ में आई कि अब MP का, अगर आपको MP में जज बनना है तो वो इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं है। लगातार MP जुडिशरी आपको शौक पे शौक देती जा रही है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे सिलेबस चेंजेस हो, चाहे लास्ट मोमेंट पे कट ऑफ इतनी नीचे आ जाना, प्रीलिम्स के पेपर को चेंजेस होना, रिट्स वगैरह होना, इस पेपर का होना या ना होना, फिर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी की सारी। आई एम गुड, हाउ आर यू? ठीक है, मैं अच्छा हूं। तो बहुत सारे आप चीजें देख रहे होंगे, ये लगातार हो रही है। अब हुआ क्या, आपको पता होगा 30 या 31 को इस बार MPCJ का मेंस का पेपर था। जनरली मैं MPCJ के पेपर्स को 10 साल से देख रहा हूं, 10 साल में जो MPCJ का पेपर था, शायद इस साल का जो पेपर था वो बहुत हद तक अलग था। हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो, आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो। मैं पेपर भी चारों लेके आया हूं, शौक मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब अगर आपको MP जुडिशियरी में आपको अगर जज बनना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन को चेंज करना होगा, सीधा, नो इफ नो बट, आपको प्रिपरेशन का जो क्राइटेरिया वो चेंज करना पड़ेगा। अब आपको MP में अगर जज बनना है तो आपको MP के हिसाब से नहीं पढ़ना है, जो जिस प्रकार से पढ़ते थे, बल्कि जैसे अभी पढ़ाई आपकी UPCJ और आपके दिल्ली के हिसाब से होती थी, वो पेपर पेपर ने आदमियों का दिमाग हिला दिया, बहुत से बच्चों का, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, जजमेंट आप बोल सकते हो, जर्नल आया था, नॉर्मल आया था, जजमेंट के अलावा अगर आप पेपर को देखोगे तो सारी की सारी, जजमेंट अगर इजी आया है तो हो सकता है कॉपी आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे चेक हो, हेलो शिवांगी। तो यही हमें चीजें बात करनी है। सबसे पहले ये क्या हुआ, MP जुडिशियरी ने फिर किया सबको शॉक, क्योंकि जर्नली एक प्रिजम्पशन बन चुकी थी कि MP जुडिशियरी का पेपर एक मॉडरेट आता है, लेकिन आप देख रहे होगे लगातार 2018 से कि MP का जो सिलेबस है या MP का जो जो MP का एग्जाम है, इस पर क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है इसका लेवल। दो तो तीन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, उसके पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए आज से हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको आपके मतलब की एक फायदे की बात करा देता हूं। आज से हम जो CRPC है या जिसको हम BNSS बोलते हैं, इसके कोर कॉन्सेप्ट की क्लास होगी, कोर कॉन्सेप्ट मतलब बहुत शानदार क्लास, और ये क्लास फ्री होगी रात को 8 बजे इसी YouTube चैनल पे। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल तो सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम के थ्रू आपको मेरी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है @ShahbazSirUAJudiciary, या तो इस पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, या QR कोड को स्कैन कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो @ShahbazUA पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। और देखिए उसका मैंने आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल भी दिया, अगर आप देख पा रहे होगे, यू कैन सी दैट, मैंने आपको एक टाइम टेबल भी दिया है इसका, कि भैया ये आज का देखिए BNS और CRPC, फिर आपका CRPC का मॉक होगा रात को। ये पूरा टाइम टेबल है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ये सबसे पहले आपके फायदे की बात थी, अब हम आते हैं आगे। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। जैसे आज मैं बता दूं आपको, 1 तारीख है आपको, तो आज BNS और CRPC का इंट्रोडक्शन Part 1 होगा, YouTube पे होगा 8 बजे से, और फ्री मॉक होगा CRPC का रात स्पेशल क्लास में रात को 10 बजे से। ऐसा पूरा टाइम टेबल है, मैं आपको स्पेशल क्लास में टाइम टेबल को भेज दूंगा। अब भैया एक चीज है, दो देखो, अगर अभी आप MPCJ की प्रिपरेशन कर रहे थे तो देखो 3 फेजेस में होता था, अभी इंटरव्यू को हम हटा देते हैं, 2 फेजेस अभी बात करें। एक आपका था प्रीलिम्स का फेस और एक आपका था मेंस का फेस। प्रीलिम्स तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, इस बार केवल और केवल कट ऑफ 113 गई है, मतलब
अभी तक आप जितने भी एग्जाम्स को देखोगे इन एग्जाम्स में सबसे कम कट ऑफ अभी गई है। मतलब वैसे हो क्या रहा है, सब जगह की कट ऑफ बढ़ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है पिछली बार 125 गई, इस बार 113। एग्जाम का जो लेवल है वो ए लेवल आपका अप होता जा रहा है। प्रीलिम्स की मैं बात नहीं करने आया, चलो प्रीलिम्स तो ठीक है जैसे तैसे बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब मेंस में कॉपी कैसे कैसे चेक होगी, ये भी आपका दूसरा मैटर है। लेकिन इस बार जो मेंस का एग्जाम उन्होंने दिया है, जो क्वेश्चन आंसर आपको दिया है, जो पैटर्न आपका मेंस का है, ये टोटली डिफर करने की कोशिश की गई है। चलिए हम पहले बात करते हैं, बाकी बाकी बातें भी हम बाद में करेंगे करके, लेकिन आज हम बात करते हैं सबसे पहले क्या हुआ, क्या क्या मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको शॉक कर दिया एमपी ने। ठीक है, मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं शॉक कर दिया, वो शॉक करने की स्थिति हम देखते हैं। देखिए अपने सामने सबसे पहले, अब मैं एक एक करके पेपर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए पेपर नंबर सेकंड, बताने का मतलब क्या था, देखिएगा इस पेपर में अगर हम देखते हैं जनरली, मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। देखिएगा ये तो आपको सबको पता है एमपी का पैटर्न, मैं तैयारी आपको बताना चाह रहा हूं कि अब तैयारी आपको क्या सोच के करनी है। तो चलिए यहां तो कोई दिक्कत थी नहीं थी। अब भैया उन्होंने एक आपसे क्या पूछा, आर्टिकल राइटिंग आई टूरिस्ट इन टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट। अब ईमानदारी वाली बात है, मुझे सबसे पहले बताइए कितने लोग ने ये एक्सपेक्ट किया था, कि एमपी को लेके आपका एक सोशल सब्जेक्ट में आपको आर्टिकल राइटिंग मिलने वाला है। किसी ने नहीं सोचा था, जर्नली अभी तक ये ट्रेंड चल रहा था, मैं खुद बोल रहा हूं यही ट्रेंड चल रहा था कि भैया कुछ योजनाएं पूछ ली जाती थी, कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती थी जो समाज में चल रही है, लेकिन किसने टूरिज्म के लिए तैयारी की थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन तैयारी करके गया था कि टूरिज्म का पेपर आ जाएगा, भैया टूरिज्म के बारे में बात करेंगे या सुटेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए। किसी ने नहीं सोचा था, और वो भी क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंडिया का नहीं, एमपी के रेफरेंस में आपसे पूछ लिया गया। मेरी जो बच्चों से बात हुई है वो बच्चों का कहना है कि सर हम पेपर करके जरूर आए हैं ये वाले ये चीजें, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, जो मन में आया हमने लिख दिया। सेम आप भी मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने अगर इस पेपर को देखा, मैं आप लोगों से एक बार कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए अगर इस पे आपको 20 नंबर का आर्टिकल राइटिंग लिखने को आएगा कितने लोग लिख पाएंगे, या कितने लोग ये सोच सोच सकते थे कि ये चीजें पूछी जा सकती है। मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं, एक बार मैसेज करके बताइए, क्योंकि मैं तो अगर मैं अपना ऑनेस्टली बोलूं रिव्यू बोलूं तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसी चीजें आ सकती है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने क्यों बोला शॉक लगा, ये शॉकिंग है, इट इज अ शॉकिंग। अब आपको कितने सारे टॉपिक कवर करने होंगे जो आप सोच सकते हो। अब शॉकिंग के साथ एक चीज हमें सीखने ये भी मिल रही है कि चलो भैया ये तो शॉकिंग हो गया, लेकिन अगर अब हमें एमपीसीजे को निकालना है तो हमें अपने तैयारी के एरिया को वास्ट करना होगा। ठीक है, हमें वास्ट करना होगा उसको, हमें केवल हमें इस एरिया को केवल इतना नहीं रखना पड़ेगा कि हम 5-7 आर्टिकल राइटिंग तैयार कर ले सारी चीज हो जाए। किसी ने नहीं सोचा था। अब मैटर कम क्या होता भैया, ये बिल्कुल नया था, आप ऐसे ही तो कुछ भी नहीं लिख सकते ना कि स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और जो मोदी जी का एक प्रोजेक्ट था इसमें 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनेगी, सरकार ग्रांट देगी, यू डोंट हैव अ डाटा। मैं भैया जनरली आपसे जीके में भी पूछ लूं कि आपको कितने लोगों को पता है कि कितनी स्मार्ट सिटी है एमपी में, तो आप लोग ये नहीं बता पाओगे कि एमपी में कितनी स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी किसी को स्मार्ट सिटी बनाने या ना बनाने के पीछे रीजंस क्या है आप नहीं बता पाओगे, क्या लिखोगे 20 नंबर में प्रश्न ही उठता है, प्रश्न ही उठता है। अब भैया बहुत अच्छे से दूसरी चीज, यहां तक तो ठीक है, इट इज अ शॉकिंग, मैं इसलिए मैंने यहां पे जो वर्ड यूज किया है दैट इज शॉकिंग। अभी शॉकिंग आपको और भी चीजें दिखेंगी, आप अब मेरा कहने का मतलब है इस चीज को इसलिए देखिए क्योंकि जब आप आगे तैयारी करोगे ना अगले साल के लिए, अब मैं आपको कल बताने वाला हूं कि एमपीसीजे की वैकेंसी कब आ सकती है ये भी मैं कल बताऊंगा, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को आप बिल्कुल नैरोली मत बांटिए, पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए डेली न्यूज़। कुछ लोग कहते हैं कि डेली पेपर पढ़ने से क्या होता है एमपी में तो केवल 10 नंबर की जीके आती है, अरे भैया 10 नंबर की जीके आती है अगर हम अच्छे पेपर पढ़ते हैं द हिंदू द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन केसेस में आपको पता चल जाता कि ये स्मार्ट सिटी क्या होती है या टूरिज्म क्या होता है, ये चीज आप तभी क्रैक कर सकते हो जब आप डे बाय डे पेपर्स पढ़ोगे। अगर कुछ लोगों ने क्या बना लिया एमपी को, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ आप लोगों से, आपको पता है मैं कभी कभी हार्श बोलता हूँ, कुछ लोगों से पूछो एमपीसीजे की जीके करनी है, बोले अरे कुछ नहीं एमपी में जीके का कुछ है ही नहीं है, बोले कैसे करना है, बोले स्पीडी ले आना, एग्जाम हो उसके 2 महीने पहले स्पीडी लाओ, स्पीडी पढ़ लो, 10 में से 8 क्वेश्चन का ही सही हो जाएंगे बस। ठीक है चलो प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन क्या प्रीलिम्स निकलने से आप जज बन जाओगे, अगर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका एक लेवल देखिए और जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल बेचिए, और अगर ये आपको क्वेश्चन करने हैं तो देन आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको न्यूज पढ़ने पड़ेंगे,
अगर मेरी बात आपको सही नहीं लग रही तो आप टोक सकते हो कि नहीं सर आप सही नहीं बोल रहे, हम तो स्पीडी से ही एग्जाम निकाल लेंगे। क्या ये चीजें स्पीडी से निकल सकती हैं? मैं बोल नहीं रहा हूँ कि स्पीडी बेकार है अच्छी है, स्पीडी अच्छी है लेकिन वो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन इंटरव्यू में जब आपसे पूछी जाएंगी चीजें, और जो अभी आपके इंटरव्यू में चल रही है, एमपीएडीपीयू के इंटरव्यू चल रहे हैं उसका मैं जिक्र करता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं आपसे कि जिनका आप स्पीडी से नहीं आंसर दे सकते। इलेक्ट्रोल राइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होते हैं, ईडी क्या होती है, ईडी की वर्किंग क्या होती है, सीबीआई क्या होती है, सीबीआई की वर्किंग कैसे, इन क्वेश्चन को आप करोगे? सोचिए भैया सोचिए, ये वीडियो हो सकता है 15-20 मिनट की वीडियो, लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यहाँ पेपर सॉल्व कराना नहीं है, वो मैं आपको करा दूंगा कभी भी। यहाँ उद्देश्य है कि मैं आपको फोकस करना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू बी अ जज इन एमपी, अगर आप एमपी में जज बनना चाहते हैं तो अपने आप जो सोच है, अपनी तैयारी है, उसको ब्रॉड करिए। दूसरी चीज, एमपी की तैयारी या किसी भी मेंस की तैयारी 2 महीनों में नहीं होती, तैयारी 2 साल में होती है जो आप पढ़ते हो। अगर कोई आपसे कहता है कि 2 महीने की हम कोचिंग कर लेंगे और हमारा हो जाएगा, तो भैया 2 महीने उसके लिए है जिसको ऑलरेडी चीजें आती हैं। अगर आपको पहले से चीजें नहीं आती और आप कहोगे कि हम 2 महीने में कर लेंगे, तो वो उनके लिए नहीं है। चलिए ये वाला हो गया। अब यहां पर तो देखो एक चीज तो ठीक है, नॉर्मल थी। मैं आपसे बोलूंगा, मैंने भी बच्चों से कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कर लेना, ये चीज है, ये वाला शॉकिंग नहीं था, इट इज नॉट अ शॉकिंग। अगर ये किसी से नहीं बनाए तो वो फिर उसका वो जो भी होगा, लेकिन इट इज नॉट अ शॉकिंग, क्योंकि आप पता होगा आपको सिटीजनशिप को लेके बहुत सारी चीजें चल रही थी, CAA NRC वगैरह चल रहा था बहुत समय से, तो ये क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड था, और एक्सपेक्टेड को ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है कॉन्ट्रोवर्सी में, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों चीजें आपको, क्योंकि यहाँ पे उसने चैलेंजेस पूछे क्या क्या इंप्लीमेंटेशन में, तो ये दोनों में चीजों में दिक्कत नहीं, इट इज नॉट अ शॉकिंग। फर्स्ट सोशल वाला शॉकिंग था, सोशल जो था इट इज अ शॉकिंग, लेकिन लीगल वाला शॉकिंग नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग, चलिए आप, मैं समराइजेशन को भी नहीं कहता, बहुत से लोग समराइजेशन नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको इसको क्या नहीं कहूंगा, शॉकिंग नहीं कहूंगा, वो ट्रांसलेट जिनसे समराइजेशन नहीं बनाए, कहीं ना कहीं उनके पास एक प्रैक्टिस की कमी थी, मैं समराइजेशन को शॉकिंग नहीं कहूंगा। सर EWS अगर 65 हो गया तो क्या झारखंड में सिलेक्शन हो सकता है? उम्मीद है, उम्मीद है, लेकिन मैं से कह रहा हूं कि समराइजेशन शॉकिंग नहीं था। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, कुछ लोग बच्चे मेरे पास मैसेज आए कि समराइजेशन सर नहीं बना, समराइजेशन शॉकिंग था, नो इट इज नॉट शॉकिंग, वो आपकी प्रैक्टिस की कमी थी इसकी वजह से, लेकिन जो शॉकिंग पार्ट था वो ये वाला है, दिस इज अ शॉकिंग पार्ट। इस बार एमपी में जो ट्रांसलेशन दिए गए हैं, इस बार जो ट्रांसलेशन दिए गए हैं, ये ट्रांसलेशन एक्सपेक्ट नहीं करे थे किसी ने, ये ट्रांसलेशन एक्सपेक्ट नहीं करे थे। 20 ट्रांसलेशन, हर ट्रांसलेशन एक नंबर का, ट्रांसलेशन काफी बड़े बड़े थे, आप देख रहे होंगे एक नंबर में इतने बड़े बड़े ट्रांसलेशन आए, देखिएगा तीन तीन लाइन के ट्रांसलेशन से, तीन तीन लाइन के ट्रांसलेशन, चार चार लाइन के ट्रांसलेशन, चार चार लाइन के ट्रांसलेशन, आपको जर्नली पांच पांच लाइन तक के ट्रांसलेशन गए हैं, और जर्नली किसी ने इतने बड़े बड़े ट्रांसलेशन को नहीं एक्सपेक्ट किया था। बच्चे पेपर छोड़ के आए हैं, जो लोग तीन तीन बार इंटरव्यू दिए हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि सर मेरे 8 छूट गए, मेरे 7 छूट गए, सर इतना समय लग रहा था लाइन बनाने में, इतने लंबे लंबे एक एक नंबर में, ये शॉकिंग था। तो अगर आप नाउ यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एमपीसीजे के लिए, तो अब आज से ही ट्रांसलेशन पर अपना मनोबल, आप ट्रांसलेशन पर अपना फोकस करिए, और मैं इसको लिए मैं आपको सबको रेमेडीज बताता हूं। देखिएगा मैंने पहले की रेमेडी आपको क्या बताई, रेमेडीज के साथ साथ चलेंगी। पहली रेमेडी मैंने आपको क्या बताई कि अगर आपको एमपीसीजी की तैयारी करनी है और आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, आप न्यूज़पेपर चालू कर दीजिएगा, स्पीडी आपको प्रीलिम्स निकाल सकती है लेकिन मेंस नहीं निकलवाएगी। अगर आपको ये वाला पॉइंट आपको करना है, ये वाला दूसरा पॉइंट मैंने बोला समराइजेशन करना, उसके लिए आपको क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस, दो चीजें। तीसरा, अगर आपको आर्टिकल ये वाला क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन करना है, इसको करने का केवल एक ही तरीका है, वो है आपका ग्रामर एक तो अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आप जो बेरेट पढ़ो वो डिग्लॉट में पढ़ो। भैया बहुत बच्चे मिलते हैं, सर हमें इंग्लिश आती नहीं है, सर हमें हिंदी हमारी कमजोर है। अगर भैया आप अगर किसी सेंटेंस को इंग्लिश में 5 बार पढ़ रहे हो, हिंदी में 1 बार पढ़ते जाइए, क्योंकि वो मैं आपको डिग्लॉट इसलिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं डिग्लॉट बेरेट लेते ही नहीं है, हिंदी वाला हिंदी का ले रहा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश, और मैं हमेशा कहता हूँ डिग्लॉट बेरेट लीजिए, क्योंकि अगर आप डिग्लॉट बेरेट लोगे वो आपको हेल्प करेगा।
एक चीज ये याद रखिएगा, तो ये वाला पेपर आप देखिएगा ना, इंग्लिश की आपके देखिएगा तीन तीन चार चार लाइन की थी, तो बच्चा यहाँ पे बहुत फंस गया है। देखिएगा चार चार लाइन की, ये कभी मैंने पांच पांच चार चार लाइन की कभी देखी नहीं, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, ये एक नंबर का है, इसका ट्रांसलेशन एक नंबर का है, एक दो तीन चार पांच छह लाइन का ट्रांसलेशन एक नंबर आपको देगा। भैया छह छह नंबर, चार चार तीन तीन, आप मुझे बताइए, आप छह नंबर छह लाइन को ट्रांसलेट करके एक नंबर मिलेगा, और ऐसी आपको 40 ट्रांसलेशन करने हैं, क्या पेपर कर पाओगे? इट इज शॉकिंग फॉर मी, फॉर मी इट इज अ शॉकिंग। बहुत से लोग नहीं कर पाए, या करके आए हैं तो गलत करके आए, इतना समय ही नहीं था। तो भैया तैयार हो जाइए। हाँ भैया, एमपी में दीक्षा 50% मार्क्स, जनरल और ओबीसी को 50% मार्क्स हर पेपर में, और एससी एसटी वाले को हर पेपर में 45% मार्क्स जरूरी है। एक ही पेपर नहीं, चलो दूसरा पेपर देख लेते हैं, इस पेपर को हटाते हैं, इट इज अ ठीक है। अब दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं, जजमेंट राइटिंग। ये जजमेंट राइटिंग तो आप लोग जैसे देखते ही रहते हो, जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग ठीक है, जजमेंट राइटिंग को आई एम नॉट कॉलिंग इट एज अ शॉकिंग, मैं इसे शॉकिंग नहीं कहता हूं। जिनसे जजमेंट राइटिंग नहीं बनी उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है? उनकी प्रैक्टिस ना होना। बस ये देख लीजिएगा क्या आया था, एक जो सिविल मामला था उसमें डिक्लेरेशन का आया था एसआरए से, और क्रिमिनल मामले में चोरी का आया था, ठीक है, क्रिमिनल मामले में आपसे चोरी पूछी गई थी। तो बस यहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं होना है, ये आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे शॉकिंग नहीं था। अब शॉकिंग क्या है? सबसे बड़ा शॉक लगा है इस बार क्वेश्चन आंसर के पेपर्स को लेके, ठीक है, सबसे बड़ा शॉक लगा है इस बार क्वेश्चन आंसर को लेके। विश्वास मानिए, क्वेश्चन आंसर जो इस बार का दिए गए हैं, इस बार अलग ही लेवल के दिए गए हैं। दूसरी चीज एक समझिएगा, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो मैं आपसे देखो कभी आपको बताओगे, शाबाश सर आपसे कभी कोई चीज बोलते हैं तो कभी कोई, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे, मैं वही चीज बोलता हूं, दुनिया क्या बोलती मुझे फिक्र नहीं है, मैं आपसे वही चीज बोलता हूं जो मुझे लगता है जो सही है। और मैं आपसे कहूंगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर कोई आपसे कहता है कि मेंस की तैयारी 2 महीने में हो जाती है, नो इट इज नॉट अ राइट। मेंस की तैयारी उस दिन से चालू होती है जिस दिन से तुम पढ़ना चालू करते हो। अब मेंस में अदरवाइज तुम कितने क्वेश्चन याद करोगे? अगर आपको डायरेक्ट याद है, अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करते हो, तो आपका हर दिन मेंस की तैयारी है। मेंस की कोई तैयारी किसी एक महीने या 2 महीने में, 1 या 2 महीने में वो प्रैक्टिस होती है। हम आंसर की जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन नहीं पता हमें, क्वेश्चन फ्रेम करने हैं कैसे है? लेकिन वो क्वेश्चन टीचर फ्रेम कराएगा, आपको टेस्ट लेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपको कॉन्सेप्ट 2 महीने में कॉन्सेप्ट नहीं डाले जा सकते आपके सामने। देखिएगा प्रिपरेशन स्टार्टिंग से होती है। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए, अगर आपको दिख रहे होंगे एमपी अकोमोडेशन एक्ट के 2 क्वेश्चन थे। अब भैया किसने एक्सपेक्ट किया था, मैं आपसे फिर से पूछता हूं, कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो मेंस में वो केस लॉ पूछा जाएगा, केस लॉ के साथ कह रहा है बताइए। एकोमोडेशन स्ट्राइक आउट द डिफेंस, स्ट्राइक जो डिफेंस को काट दिया जाता है, इविक्शन के मामलों में डिफेंस को खत्म कर दिया जाता है, सेक्शन 13 के क्लॉज 4 और 13 के क्लॉज 6 में। मैं जनरली पूछ रहा हूं कौन कौन इस क्वेश्चन को मेंस के हिसाब से तैयार करके गया था, अगर आप लोग बताइए, अगर आप लोग करके गए हो, मैं मानता हूं होता है बहुत से लोग गए होंगे, लेकिन 80% लोग नहीं करके गए थे। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी था, दैट इज अ इजी, अगर ये किसी से नहीं बना तो ठीक है, लेकिन 2 केसेस में आप एक कॉमन चीजें देखिए, हर लोकल लॉ में केस लॉस पूछ रहे हैं जो जनरली नहीं बनते बच्चों से, ये देखिएगा। अब आइए और शॉकिंग की तरफ, चलिए ये तो ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे एमपीएलआरसी। एमपीएलआरसी में पहला वाला इजी था क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भूमि भूमि स्वामी वाला, दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ एंट्रीज को लेके बच्चे फंसे, ये बच्चे तैयार करके नहीं गए थे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और था, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केस लॉ, केस लॉ से खसरा एंट्री की एविडेंशियरी वैल्यू करिए। दिस इज अ वेरी शॉकिंग क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट, जनरली प्रिपेयर नहीं किया था। अगर मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछता भी जा रहा हूं, आप लोग बताइए आप लोग क्या प्रिपेयर करे थे। और दूसरी चीज, आज मैं आपको शाम को 8 बजे सीआरपीसी के कोर कॉन्सेप्ट की क्लास लूंगा, जो विश्वास मानिएगा क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा उस क्लास में। चलिए एक इसके बाद इसी क्वेश्चन में चार, ये चार चार नंबर के क्वेश्चन है, ये भी चार नंबर का, इतना आपको चार नंबर के में प्रिजम्पशन भी लिखनी है, मतलब 2 नंबर की प्रिजम्पशन पूछ रहा है, 2 नंबर की एविडेंशियरी वैल्यू केस लॉ के साथ पूछ रहा है, इसके साथ रिलिंक्विशमेंट राइट ऑफ भूमि स्वामी, ये चार चार नंबर के क्वेश्चन थे। इसके बाद आ जाइए एविडेंस के क्वेश्चन। एविडेंस क्वेश्चन में जनरली जो क्वेश्चन हम तैयार नहीं करते, जनरली मैं बोल रहा हूं,
कुछ क्वेश्चन है जो जर्नली हम तैयार करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे जर्नली रिक्वायरमेंट ऑफ कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड एडमिसिबल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस कंडीशन में एडमिसिबल होगा, इसकी लेटेस्ट लीगल पोजिशन। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन जो इन्होंने एक शब्द इसके साथ जोड़ा गया था, ये पूछ रहा है इसकी लेटेस्ट लीगल पोजिशन बताइए, मतलब कोई लेटेस्ट केस लॉ इसमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चे जर्नल वे पे तो कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो ये पॉइंट था इस पे बहुत सारे 90% बच्चे ये चीज नहीं कर पाए। ये वाली मैं पहला वाला नहीं बोल रहा, पहला वाला इजी था, लेकिन यहां पे फंसे हैं। दूसरा अब देखिएगा, अब ये वाला क्वेक्यूज वाला, ये आर्टिकल 133 वाला है, क्वेक्यूज कन्फेशन ऑफ अ सॉरी कन्फेशन ऑफ अ वेदर द कन्फेशन ऑफ अ एक्यूज्ड कैन बी कंसीडर अगेंस्ट द क्वेक्यूज, एक्यूज का कंसीडर क्वेक्यूज के विरुद्ध यूज किया जा सकता है, ये 30 सेक्शन थी। जब ज्वाइंट ट्रायल होगा तो कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद द रेलेवेंट प्रोविजन, रेलेवेंट प्रोविजन बताना है, 133 अकॉम्प्लिशमेंट भी पूछ ली है, और इसमें डाक टू वगैरह का केस वगैरह, तो मतलब एक क्वेश्चन को फंसा फंसा के पूछ रहा है। 4 नंबर में प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी पूछ रहा है, पेपर बहुत लेंथी था भैया, ठीक है, पेपर बहुत लेंथी था। देन आ जाते हैं आईपीसी। आईपीसी में जनरली व्यक्ति कहता है चैप्टर नंबर, जनरल एक्सेप्शंस कर लो, वहां से क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 कर लो, चैप्टर नंबर 17 कर लो, पूछा ना 16 ना 17 ना जनरल एक्सेप्शन, पूछ लिया पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18, पूछ लिया 18 के भाई ये बताइए चैप्टर 18 डॉक्यूमेंट, मतलब जो फोर्जरी वगैरह है, फोर्जरी से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेन विद द रेलेवेंट केस लॉ, रेलेवेंट केस लॉ के माध्यम से राइट टू प्राइवेट डिफेंस को बताइए, केस लॉज के माध्यम से राइट टू प्राइवेट डिफेंस सबसे बनता था, लेकिन राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बहुत सारे लोग केस लॉज नहीं करते, तो केस लॉज लिख रहे हैं तो उसके फैक्ट लिख लेते, तो वो चीज है जरूरी है। अब यही चीज है, आप अगर मेरा कोई प्लस का स्टूडेंट है तो क्लास में बता सकता है, इफ देयर इज एनी प्लस स्टूडेंट वो बता सकता है, मैंने आपको अभी मेरा बीएनएस चल रहा है, मैं प्लस में पढ़ा रहा हूँ और जेजे पढ़ा रहा हूँ, आप बच्चों से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैंने आईपीसी जो पढ़ा रहा हूँ या जो सब्जेक्ट पढ़ा है, एक एक केस पे एक एक घंटे डिस्कशन हमने किया है, मैंने सेक्शन 84 81 जो हमने पढ़ाई है, हम आपसे एक एक घंटे डिस्कशन करके आपको नोट्स बनवा रहे हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेंस की जो तैयारी है वो 2 महीने या 10 दिनों में नहीं होती। आप पूछिए बच्चों से, वो बता देंगे आपको। मैं अभी शायद सीआरपी से नई बीएनएस करा रहा हूं, बीएनएस में हम शायद अभी 35 34 सेक्शन में पहुंचे हैं, 34 सेक्शन में हमें पहुंचने में लगभग हमारी 25 क्लासेस हो चुकी है, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की, पूरा चीज आपको पूरा जिस्म देने की कोशिश करी जा रही है, ये चीज आपको अब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मोनिका ने सही कहा, अब कुछ छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, सब कुछ पूछा जा रहा है। आगे वेदर ए एस कमिटेड ऑन ऑफेंस इन द फॉलोइंग, भैया प्रॉब्लमेटिक बेस क्वेश्चन 1 2 3 4, आपको हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, अब जैसी पीडीएफ मुझे मिली मैंने आपको करा दी, लेकिन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, एक एक नंबर के प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें रीजन देना है, तो हर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन एक एक नंबर का, एक एक नंबर में लिखो भैया आधा आधा पेज। आगे आ जाइए, आगे सीआरपीसी क्वेश्चन, कंप्लेंट बोलता है कि सेक्शन 195 जनरली व्यक्ति नहीं पढ़ के जाता, और 195 लीगल उसकी लीगल प्रोविजन के साथ बताइए, वो आप 193 आप बहुत सारी सेक्शन पढ़ते हैं, 200 आप पढ़ते होगे, चार्जेस पढ़ते होगे, ट्रायल पढ़ते होगे, मुझे जनरली बताइए कितने लोग हैं जो 195 को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके गए थे, कितने लोग हैं जो तैयार करते हैं केस की जगह, केस की जगह दृष्टांत लिखोगे, नहीं केस लिखोगे तो केस ही लिखना पड़ेगा ना, नहीं बन रहा फिर लिख दोगे तो आपके नंबर तो कट जाएंगे दीक्षा, एग्जामिनर के ऊपर हो सकता है नंबर दे दे, लेकिन नंबर तो आपके काटेगा ही काटेगा। इसके बाद आ जाइए लीगल प्रोपोजिशन 161 को, 161 को मेंस के हिसाब से पूछ लिया, ठीक है, वेनस वाज विटनेस डिनाइज टू हैविंग अ मेट, तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ इसका लीगल पोजीशन, फिर से लीगल पोजीशन पूछ लिया उसने आपसे केस लॉ। इसके बाद आ जाइए क्रिमिनल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट से पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब है उसने ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जो जनरली हम नहीं पढ़ते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे, इट मीन्स प्रीलिम्स में जो हम सब कुछ पढ़ते थे, और लोग क्या कहते थे कि प्रीलिम्स में सब कुछ पढ़ना है, मेंस को एक स्पेसिफिक एरिया को पढ़ना है, बहुत बार हो सकता है मैंने भी बोला हूं, क्योंकि अभी तक एमपी का तो पैटर्न यही था, लेकिन इस बार जो एमपी का पैटर्न है, एमपी का पैटर्न कह रहा है कि भैया आप संभल जाओ, अब आज से सब कुछ पढ़ना है, वो गया समय कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, अब से तो सब कुछ पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन जो इस बार उन्होंने दिखाया वो कहीं से भी पूछ रहा है। एनआई का देख लीजिएगा, एनआई का जनरली हम क्या पढ़ के जाते थे, 138 का पढ़ के जाते थे,
हम पढ़ के जाते थे 138 से क्वेश्चन मिल जाएगा। भैया 138 से मिला क्या क्वेश्चन? पहला कंपनसेशन आ गया इंटरिम कंपनसेशन से 143 है 148 से। दूसरा क्वेश्चन दिखलाइए, देखिए वो पूछ रहा है कि स्टॉपल स्टॉपल के पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है 138 का जो पूछ रहा है 138 के क्या है डिफेंस में अलाउ नहीं की जाएगी, ये नहीं पूछ रहा कि 138 क्या है, पूछ रहा कि डिफेंस अलाउ नहीं की जाएगी और पूछ रहा है कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। तो भैया कॉग्निजेंस को लेकर नए रूल्स वगैरह है ये, इसके बाद यह देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये चार नंबर के क्वेश्चन में एक एक नंबर के यहाँ पे आपको उसने पॉइंट डाल दिया। अब देखिए क्वेश्चन, इसके बाद एक्सप्लेन द जज क्या कर सकता है, कोई कोई भी क्वेश्चन वगैरह कर सकता है। पावर ऑफ जज टू पुट एनी पुट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट आपसे पूछ रहा है। वाजिबल अर्ज, वाजिबल अर्ज के साथ आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन उसने अटैच किए हैं। इसके बाद आपको देखिए पूछ रहा है एक केस लॉ ही पूछ लिया उसने कि भैया सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का जो 2022 का केस है ये बता दो। हेलो संजय, अब मुझे बताइए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ईमानदारी वाली बात, क्या पेपर इजी लगा आपको अभी तक? मैं जनरली पूछ रहा हूँ, फ्रेंकली आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो शॉकिंग लगा। शॉकिंग इस सेंस में कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेपर इस लेवल का जाएगा। जिस लेवल का गया तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि हमें तो हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि भैया पेपर इस लेवल का जाएगा? तो आप ऑनेस्टली पूछो, तो मैंने तो पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था। लास्ट पेपर देख लीजिएगा, उसकी थोड़ी सी पीडीएफ उल्टी बन गई है, लेकिन कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ पढ़ के, ये लास्ट पे ठीक है। अगर पेपर चाहिए हो तो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का देखिए आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन पेपर उल्टे हो गए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं इस पेपर को आपको भेज दूंगा भी आप लोग को, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा जैसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं। वो पूछ रहा है कि भैया कमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एब्रोगेशन आर्टिकल 360 जो कश्मीर को हटाया गया है ना, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के बारे में पूछा गया। तो भैया आपको इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ राइट टू, मतलब आर्टिकल 191A से क्वेश्चन है और उसमें आपको केस लॉस वगैरह हो गए। देन आ गया एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन द राइट टू ऑफ एजुकेशन बिकम अ राइट टू फंडामेंटल राइट, इसमें मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन का केस आपको लिखना था। आगे आ जाइए, ये तो ठीक था, ये नॉर्मल केस था, ये दो केसेस थोड़े से आपसे जनरली हो सकता था ना बने। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन अपीलेंट जुडिशियन एंड रिविजन जुडिशियन सीपीसी में पूछा जा रहा है, ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट था, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन सीपीसी आपकी देखो कॉन्स्टिट्यूशन मॉडरेट पूछी गई है, सीपीसी ईजी थी मेरे हिसाब से, सीपीसी आपको मुझे ईजी लगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहता है टीपीए के क्वेश्चन थोड़े से शॉकिंग थे, टीपीए के जनरली जो क्वेश्चंस थे वो जनरली व्यक्ति नहीं पढ़ता है, टीपीए थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको केस लॉ लिखने थे, तो टीपीए थोड़े से हल्का सा डिफिकल्ट था, मॉडरेट कह सकते हो। उसके बाद हम एसआरए वगैरह देखते हैं, तो थोड़ा सा पेपर मुझे लगा बहुत सारी जगह जैसे ये केसेस वगैरह भी पूछ लेगा कि फुल बेंच का भैया लीज पे वो लेस्ली वर्सेस ये वाला केस वगैरह, तो ये सारे के सारी चीजें आपको लेस्ली वर्सेस शील वगैरह का केसेस करने हैं। तो एक चीज समझ में आई, आखिरी में आपसे एक चीज बोलूंगा, एक चीज मुझे जो समझ में आई वो ये है, दो तीन चीजें ईमानदारी वाली, पेपर मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब जो मुझे समझ में आया वो क्या आया? आप कहोगे सर आपको क्या समझ में आया, मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि जो प्रिपरेशन होगी वो फर्स्ट डे से स्टार्ट करिए, किसी भी सेक्शन को पढ़िए डिटेल में पढ़िए, जब डिटेल में पढ़ोगे क्योंकि किसी भी सेक्शन से मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ दो तीन चीजें, पहला ये तो टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अच्छा पहले आपको एक फायदे की चीज बता दूं भैया, अगर आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ तैयारी करना चाहते हो तो जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, ये आपका अप्रैल 2024 में होगा और उसकी 6 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, 6 अप्रैल को एक जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट है 12 बजे, जहां पे आपको 100% तक स्कॉलरशिप और 10,000 रुपए तक का आप इनाम जीत सकते हैं, ठीक है, आप कैश जीत सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि अगर आप जुडिशियरी की तैयारी करें तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 7 दिनों का, मतलब जो प्लस क्लास होती है, जो पेड क्लासेस होती है, आप एक बार इसका एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, आप देखिए तो सर लोग पढ़ा क्या रहे हैं यहाँ पे। तो 7 डेज का फ्री ट्रायल अभी बताता हूँ बाकी, तो ये कब से है, 2 तारीख से, कल से लेके 2, 3, 4 को आप ले सकते हो 7 डे का फ्री ट्रायल एक्सक्लूसिवली। अगर किसी को ट्रायल नहीं समझ में आ रहा कैसे लेना है तो @shahbazua पे आप मैसेज कर सकते हो। दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद मेरा भी एक क्लास होगा रात को 9 बजे, मेरा एक क्लास है, मैं आपको बता दूं 9 बजे, सॉरी 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 8 बजे, 8 बजे अभी होगा, तो जिसमें मैं आपको सीआरपीसी कराऊंगा फुल कॉन्सेप्ट, जो हो सकता है बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो, फुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा और 4 लेक्चर होंगे 4 दिन तक, 1, 2, 3, 4, 4 दिनों में 4 लेक्चर आपके कराऊंगा,
ठीक है, 4 दिनों में 4 लेक्चर्स कराऊंगा। तो आज इस क्लास के 1 घंटे के बाद 8 बजे से इसी चैनल पे मेरा क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा सीआरपीसी के लेक्चर्स। ठीक है, सीआरपीसी या बीएनएसएस के आपके कोर कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो 8 बजे ज्वाइन करिएगा, और रात को 10 बजे मेरी क्या होगी, स्पेशल क्लास होगी। स्पेशल क्लास होगी जहां पर सीआरपीसी का फ्री मॉक कराऊंगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे तरीके बता दूंगा कैसे क्या ज्वाइन करना है। और एक चीज और वो ये है कि ये टाइम टेबल आपको दे दिया, टाइम टेबल मैं आपको भी भेज दूंगा। कहाँ भेजूंगा, इस टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा इस टेली, ठीक है। अब थोड़ा सा अब आ जाते हैं मेन यहाँ पे, देखिएगा। पेपर फर्स्ट, सॉल्यूशन की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। अगर आपको एमपी में जज बनना है तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं अपने साइड से, कुछ टिप्स। पहले मैं बात करता हूं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स अगर तैयारी करनी है आपको चीजें डीपली पढ़नी पड़ेंगी। देखिएगा क्या आ रहा है, लॉ आ रहा है, जीके आ रहा है, और इंग्लिश आ रहा है, और कंप्यूटर आ रहा है। इंग्लिश कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, इंग्लिश के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, आपका बहुत हद तक चीजें हो जाएंगी। इसके साथ साथ एंटोनिम्स सिनोनिम्स अभी से रोज के 10 10 15 15 20 20 पढ़ना चालू कर दीजिएगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड आइडम फ्रेजेस आप पढ़ना चालू कर दीजिएगा। कंप्यूटर के लिए या तो आप लूसेंट ले लीजिए, या परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, परीक्षा मंथन की, इन किताबों को ले लीजिएगा। आप पुराने एमसीक्यू तो लगाइए, लेकिन इन किताबों को पढ़ना चालू कर दीजिए। और जीके में आपको करंट अफेयर्स देखना है, करंट अफेयर्स आप देखिएगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता, दर्पण वगैरह जैसी किताबों को आप रेफर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एमपी की जीके आपको देखनी है, और स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया नॉन लॉ पार्ट। ठीक है, क्या देख सकते हो, लूसेंट। अब दूसरा पार्ट आता है लॉ का। तो लॉ के लिए देखो दो तीन चीजें करनी है प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अपने नोट्स बना सकते हो, आप अपनी कोचिंग वगैरह ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, गाइडेंस के लिए आप हमें भी चुन सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता ये चाहिए कि सर लोग पढ़ाते कैसा है, तो 7 डेज का ट्रायल आपके लिए, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। और देखना है, नहीं हमें 7 डेज का ट्रायल नहीं देना, यूट्यूब में आ जाइए, इसके बाद क्लास है वहां पर देख लीजिएगा। ये चीज है। इसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर, तो इसके बाद आप एमसीक्यू भी बहुत सारे लगाइए। लेकिन एमसीक्यू कब लगाने, एमसीक्यू और पीवाईक्यू ये आपको कब लगाने, ये तब लगाना है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप डायरेक्टली एमसीक्यू मत लगाइए, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आप एमसीक्यू लगाइए। तो एक चीज इसका ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स में। और इसको रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहिए। जहां जरूरत है मुझे मैसेज करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम ज्वाइन चैनल में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह बता दूंगा। या आप मुझे यहां मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें अनअकैडमी की स्पेशल क्लास देखनी है, हम कैसे देखें, हमें प्लस क्लास देखनी है, हम कैसे देखें, हमें सब्सक्रिप्शन लेना है कैसे ले, हमें बेस्ट प्राइस में सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, सारी चीजें। अब आज का मुद्दा था मेंस। अब भैया मेंस अगर निकालना है तो मेंस के लिए क्या प्रिपेयर करना है, देखिएगा मेंस में कितने पेपर हैं। मैं अभी देखो एक आध दिन कोशिश करूंगा, एक स्ट्रेटेजी सेशन लेके आऊं 6 7 दिन का, मैं बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। मुनिका, मुनिका मुझे मैसेज कर लीजिएगा यहां पर @shahbazua, जिसको भी मैसेज करना है मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आई विल गिव यू अ लिंक ऑफ फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल की लिंक दे दूंगा, फ्री ट्रायल प्लस सब्सक्रिप्शन की। कैसा प्लस सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल के लिए आपको लिंक दे दूंगा। अब देखिएगा इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगा जहां पे आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग इस वीडियो को देखना है तो मेरा थोड़ा सा एक दायित्व तो बनता है कि मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। प्रीलिम्स के लिए बताया, मेंस के लिए देखो फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर क्या होता है आपका, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड पेपर के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इस पेपर की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है, बल्कि जो आपका बेयर एक्ट है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी बुक है, यही आपको इस पेपर में सक्सेस दिलाएगी। इसकी कोई अलग से तैयारी मत करिए। आप सेक्शंस पढ़िए, सेक्शन 84 पढ़ रहे हो तो 84 को डीप पढ़िए। लीगल इंसैनिटी क्या होती है, मेडिकल इंसैनिटी क्या होती है, भैया लीगल इंसैनिटी क्यों यूज किया गया है, वर्ड इंसैनिटी वर्ड क्यों यूज नहीं किया गया है आपको, या तो वर्ड अनसाउंड माइंडनेस क्यों नहीं किया गया, इडियटी क्यों नहीं यूज किया गया है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 84 85 की बात करूं, 85 86 की बात करूं, आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज आपको मेंस के लिए फर्स्ट और थर्ड पेपर के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए अपने बेयर एक्ट कॉन्सेप्ट पर, अपने नोट्स पर, अपनी बुक्स पर ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो पेपर सेकंड के लिए यू हैव टू राइट न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पहली चीज समराइजेशन अगर करना है तो यू हैव नीड रेगुलर प्रैक्टिस, एक गाइडेंस आपको चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस और गाइडेंस आपको चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं ट्रांसलेशन, तो दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक तो आपको ग्रामर आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए,
ग्रामर के साथ साथ आपको डिग्लॉट में क्या करना है, बेरेक्स पढ़ने हैं, और आपकी जो वोकैब होगी उसे बहुत हद तक आपको ठीक करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ शब्द पूछे गए हैं जो शब्द हमसे बड़े ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, ये हो गया। और आखिरी आता है जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग आपको तब करनी है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जजमेंट राइटिंग कर ही नहीं सकते आप। जजमेंट राइटिंग क्या है? कॉन्सेप्ट है। लॉ, अगर आपको लॉ आ गया, लॉ को कैसे अप्लाई करना है आ गया, तो आप जजमेंट राइटिंग कर लोगे। तो भैया मेरा आपको यही सजेशन, आप इन चीजों को ध्यान रखें। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। पहला, 7 डेज का ट्रायल। इस 7 डेज के आपको ट्रायल को ले सकते हो, जिनको लेना है मुझे मैसेज कर सकते हो @shahbazyou में, या इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। और अगर लेने जा रहे हो आप, और आपसे अगर वो फर्स्ट टाइम कोड पूछता है, इसको बोलते हैं अनलॉक कोड, तो आप Shahbaz10 SHABAZ10 इस कोड को अनलॉक कोड के रूप में यूज कर सकते हो, अनलॉक कोड के। तो भैया 7 डेज का फ्री ट्रायल देख लीजिएगा जो आपको चल रहा है। इसमें आप प्लस क्लासेस को, जो हमारी पेड क्लासेस होती है, उनको आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या बोल रहा है, जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका। देयर इज अ जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट जो अप्रैल 2024 वगैरह में आपका होगा, इसको ज्वाइन कर सकते हो। 6 तारीख को 12 बजे होगा। 10,000 रुपए तक के कैश वाउचर्स और 1,100 रुपीज की स्कॉलरशिप, और इसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हो इसको एनरोल करने के लिए, Shahbaz10। ठीक है, Shahbaz10। इसके साथ साथ मेरा ये टेलीग्राम्स है, ठीक है। आज क्लास होगी 8 बजे, 8 बजे अभी मैं आपको ये वाली, देखो ये 8 बजे, 8 बजे यूट्यूब पे BNSS का आपको लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे 8 बजे, इसे ज्वाइन करिएगा इसके 1 घंटे के बाद। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको सारी क्लासेस की लिंक, चाहे वो स्पेशल क्लास हो, चाहे आपकी प्लस क्लास हो, चाहे आपकी यूट्यूब सेशन हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, हर चीज की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने ही मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 8 बजे जरूर आइए, जहां पे मैं आपको CRPC का कोर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं वो वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।